हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपकी गाड़ी का हॉर्न कोई भी है अगर वो बजता नहीं है या किरकिर आवाज़ करता है और पूरा खुल के नहीं बजता है तो उसको किस तरीके से सही करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये स्विच चेक कर लीजिएगा, ये आप हॉर्न का स्विच चेक कर लीजिएगा कि हालांकि हॉर्न का स्विच जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये मेरे पास 5G गाड़ी है तो इसमें तो और ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्विच जो होता है अच्छी क्वालिटी का लगा होता है, कंपनी के साथ अच्छी क्वालिटी का लगा होता है और नया स्विच होता है। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों स्विच में दिक्कत नहीं है तो फिर किस चीज़ में दिक्कत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये पेज खोल लीजिएगा ये, और एक इधर पेज लगा होगा ये, और दोस्तों आगे के दो पेज खोल लीजिएगा, एक यहाँ लगा होता है एक यहाँ लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पेज खोलने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों इसकी जो ये तार है ये टूटी हुई है और ये क्लिप टूटी हुई है, ये इसमें खाली आपको क्लिप चेंज कर देनी है। क्लिप किस तरीके से चेंज करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो ये टूट गई है क्लिप, इसको हम निकाल देंगे, तो सिंपल से इसको निकाल लीजिएगा आराम से। दोस्तों बहुत बार होता है क्लिप ढीली हो जाती है फिर भी आपको दिक्कत आती है, लेकिन इसकी क्लिप जो है आपकी टूट गई है, तो ये क्लिप टूट गई है जैसे हम ये क्लिप चेंज कर देंगे। और क्लिप के कहाँ मिलती है और किस तरीके से मिलती है और कितने की मिलती है तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्लिप होती है, ये देखिए दोस्तों ये क्लिप होती है, ये 5-5 रुपये की आपको किसी भी बाइक रिपेयरिंग की दुकान में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लगाएंगे, लगाने किस लिए कैसे हैं तो दोस्तों इस तरीके से मोड़ लीजिएगा तार छील के, और फिर इसमें ये प्लास से आप इसको दबा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से दबा दीजिएगा, इस तरीके से फंसा करके दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लिप हमने ये दबा दिया है, इस तरीके से दबा लीजिएगा और उसके बाद इसको लगा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ये जो क्लिप होती है ये ढीली हो जाती है, तो इसको हम प्लास से इस तरीके से दबा करके टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्लास से दबा करके हम इसको टाइट कर देंगे, इस तरीके से दबाने के बाद उसको हम फिर लगा देंगे। दोस्तों ये तार छोटी हो गई तो इसको हम चेंज करेंगे, बड़ी वाली तार इधर लगा देंगे, बड़ी वाली इधर लगा देंगे और छोटी वाली इधर लगा देंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम लगा देंगे। तो दोस्तों सिंपल से इसको दबा के लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं हॉर्न आपको बजा के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चाबी ऑन की, ये देखिए हॉर्न बजा रहा है, ये देखिए दोस्तों हॉर्न आपका बज रहा है, पहले किरकिरा रहा था अब हॉर्न आपका ये बज रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब इसे हम पूरा पैक कर देंगे, तो इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों सिंपल से ये हमने पेच लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये टापा लगा दिया, ये देखिए दोस्तों ये टापा हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक पेच यहाँ लगेगा और एक पेच इधर लगेगा। ठीक है दोस्तों, और दो पेच यहाँ लगेंगे, एक और ये दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके भी गाड़ी में अगर हॉर्न किरकिराता है और आवाज़ नहीं करता है, सही से नहीं चलता है, तो उसको इस तरीके से सही कर लीजिएगा। अगर पत्ती टूटी हो तो पत्ती चेंज क्लिप चेंज कर दीजिएगा, अगर क्लिप आपकी सही हो तो उसको इसी तरीके से चेंज कर दीजिएगा, क्लिप अगर टूटी होती है उसको इसी तरीके से चेंज कर दीजिएगा, अगर ढीली हो तो उसको इसी तरीके से टाइट कर लीजिएगा, प्लास से दबा करके टाइट कर लीजिएगा, तो अब ये आपकी हॉर्न की ये किरकिर की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।